हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। काम क्या मतलब, बच्चे तो चले गए हैं, नाश्ता वगैरह बन गया है, और किचन में मतलब सफाई भी नहीं की है, बट बर्तन वगैरह सब रख दिए हैं। तो पहले ना जैसे जाते हैं तो एकदम झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो फिर मैंने ना पहले इनकी रोटियां बना ली थी, उसके बाद मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जा रखे हैं। तो बोलते हैं कि जब भी कोई घर से जाए तो एकदम से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह तय लगाती हूँ। और जल्दीबाजी होती है ना, तो कंबल भी ढंग से तय नहीं होती। वैसे जल्दीबाजी नहीं है, मैं मतलब 9 बजे के बाद निकलूंगी, तो आराम से काफ़ी टाइम है मेरे पे। अभी 7 ही बज रहे हैं, तो 2 घंटा है मेरे पास सफाई करने के लिए, नहाने के लिए, पूजा करने के लिए, मतलब सारा काम करने के लिए। तो 2 घंटा है, 9 बजे तक मुझे, 7 से 9 बजे तक मुझे अपना काम निपटाना है। तो आज 7 से 9 बजे का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे मैं अपनी कोचिंग जाने से पहले अपने घर को मैनेज करती हूँ, घर के कामों को। तो यहाँ पे मैंने बस वही है, बेडशीट निकालनी थी, वैसे कल ही बदलनी थी, बट वही हुआ कि कल नहीं बदल पाए, तो आज मैंने बदल दी। मैंने कहा आज पहले मैं बेडशीट ही चेंज करूँगी, क्योंकि ये बेडशीट कब से बिछी हुई, फिर बीच हम इधर उधर रहे तो फिर ऐसे ही हो गया। तो बस यहाँ पे ये तकिया मैंने कवर ऐसे ही डाल दिए हैं, 2 तकिया एक के अंदर डाल दिए, तो फुली फुली सी लगती है। तो बस यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दूँगी, और वो जो नई है दूसरी वो तो नहीं बिछाऊँगी, अभी मेरी ये वाली नई है तो इसको ही बिछाऊँगी। ये भी अभी मतलब सही है तो इसको बिछाऊँगी। तो बेडशीट वगैरह बिछ गई है, इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने इसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया। जैसे सोफ़े वगैरह तो सेट करे रहते हैं रात की, तो झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाती हूँ किचन में, किचन में साफ़ करती हूँ, किचन में गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, जबकि मुझे अभी खाना बनाना है दिन का। लेकिन ये होता है कि एक बार साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं होता मुझसे ऐसा ना। तो प्रॉपर मतलब काम को वैसे ही करती हूँ मैं, जैसे रूटीन रहता ही है। तो यहाँ पे फिर मैंने वो कर लिया है, पोछा लगा लूँगी, इसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, मतलब वॉशरूम वगैरह क्लीन करके नहाने के लिए। और फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी पूजा करने। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है, और बस अब लास्ट में मैं मतलब होम वगैरह तो मुझे नहीं आता देना, और ना मैं देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपूर वगैरह पूजा करके लास्ट मतलब पूजा, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैंने माता रानी को ग्रीन कपड़े बनाए हैं, तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है, थोड़ा आशीर्वाद ले लूँगी माता रानी से, क्योंकि मैंने तो सोचा था इस बार साड़ियाँ पहनूँगी व्रत में, लेकिन माता रानी ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। चलो जो उन्होंने सोचा वो अच्छा ही होगा। और फिर इसके बाद मैंने दाल मैंने हाँ दाल मैंने छोंक दी थी पहले, मतलब इसी टाइम पे छोंक दी थी उसके, हाँ पता नहीं मुझे याद नहीं, पर मैंने दाल छोंक दी है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अब यहाँ पे चावल चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ मैं, और बस चावल वैसे इन्होंने बोल दिया था कि मैं चढ़ा दूँगा, फिर मैंने कहा नहीं आप मत चढ़ाओ, मैं बाद में चढ़ाऊँगी, क्योंकि पहले ही चढ़ा लेंगे तो फिर वो ना वैसे भी हो जाएंगे। और मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे तो ये लग रहा है मैंने चावल पहले चढ़ाए, लेकिन वीडियो में पहले दिख रहा है तो शायद चढ़ा दिए होंगे, पहले ही चढ़ा दिए। तो यहाँ पे कपड़े वैसे ऐसे कपड़े भी धुल ही रहे थे, तो कपड़े भी मैंने लगा दिए हैं। और पता है कपड़े छोड़ दो ना रात को नहीं टाइम मिलता, तो मैंने अब यही सोचा कि मैं ना सुबह ही धुल लूँगी, जितने भी हैं सुबह धुल लूँगी। और ये कल के कपड़े हैं, क्योंकि वाइट थे, मैंने मना किया था इन्हें वाइट, तो रात को आके तो मुझसे मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने आज सुबह पहले वाइट कपड़े ही धुल लिए, मतलब सब साथ में मतलब वाइट पहले धुल देते और बाद में धुले, तो बस आज सारे कपड़े धुल गए हैं। और क्योंकि आज मैं वैसे 9 बजे निकलती थी, आज मैं 9:20 पे निकली हूँ, कल और थोड़ा लेट जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा ना अब टाइमिंग सेट हो रही है, सेट होने में भी टाइम लगता है ना। अब गाड़ी भी थोड़ा उस तरीके से चलाई जा रही है, और हवा देख रहे हो आप कितनी हवा चल रही है, तो बस मैंने मतलब धीरे धीरे टाइमिंग सेट हो रही है, तो मतलब 9:20 के बाद ही मैं निकलूँगी। और ये अभी गए नहीं, अब देखो अब जा रहे हैं ये, तो इनके जाने से पहले मेरा मतलब सारा काम निपट ही गया है जैसा आप देख रहे हो। और चाय भी मैंने पी ली है, चाय साथ में ही पी ली थी हमने, फिर उसके बाद नहीं पीती हूँ मैं, मतलब वो ये एक बार बन गई फिर मैं ना मतलब नहीं बनाती हूँ दोबारा, तो गंदी आदत है वैसे, पर कोई नहीं। और बस फ्रूट्स वगैरह ले जाती हूँ मैं टिफ़िन के लिए, तो बस यहाँ तक मेरा ये सारा काम निपट गया। इसके बाद ये मतलब इसके बाद ये मशीन वगैरह में कवर लगाऊंगी, और पाइप उसका निकालूंगी, तो मतलब चुटुर पुटुर काम तो चलते रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब रेडी होने के लिए। थोड़ा मॉइस्चराइज़र आजकल मैंने अब ना इस बार मैंने दूसरा मॉइस्चराइज़र लाया है, और दिखाऊंगी अगर मेरी स्किन ठीक रही उससे तो शेयर करूंगी आपके साथ। और यहाँ पे बस अब तैयार हो जाऊंगी, और क्योंकि इसके बाद तो अब जाना ही है, तो इसके बाद ही वही है कि मतलब तैयार हो जाती हूँ फिर उसके बाद। हाँ अभी चावल मेरे चढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत ये सामान जैसे इधर उधर है तो उसको भी सेट करती हूँ मैं, पहले तैयार हो जाती हूँ फिर उसके बाद देखती हूँ ना कि कितना टाइम लगेगा। तो वैसे क्लेचर लगाती थी, आज मैंने ना रबड़ लगा लिया ताकि बाल इधर उधर ना हो,
तो चलो तैयार हो गई हूँ, अब मिलती हूँ आपको आगे। नहीं आगे क्या मिलती हूँ, अब मैं वही है कि मैं ना पाँव में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मेरे ना इतने बेकार हो गए ना, मेरे कभी भी पाँव नहीं फटते, इस बार मेरे इतने पाँव फट गए, पता नहीं क्यों, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। तो ये वाले, ये वो वाले सॉक्स हैं, वो जो मतलब गर्मी वाले होते हैं ना, वही वाले सॉक्स हैं ये मैं ना वहीं से लाई थी, देहरादून से जब मैं गई थी ना संडे मार्केट, वहीं से लाई थी, 50 की 2 जोड़ी आ गई थी। अब मुझे क्या पता था इतने काम आई जाएंगे। वैसे तो मैं पहनती हूँ ना, मतलब जब बच्चों को लेने भी जाती थी, तो बस यहाँ पे अब मैं फुलफिल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। सो फ्रेंड, मैं रेडी हो गई हूँ, रूम मेरे साफ़ है, और आज ना मैंने पर्स चेंज कर दिया, इस पर ले जा रही हूँ क्योंकि पर्स ना, और ये मैंने एक हल्की सी जैकेट मतलब विंडचीटर टाइप की है ये रखी है, क्योंकि शाम को ना वो हो जाता है ठंडा लगता है, और मेरे कमर दर्द होने लगे, तो मैंने कहा क्या पता इसी वजह से हो रहा हूँ। और कपड़े तो डल भी गए, किचन में साफ बंद कर देते हैं और ताला लगा के नहीं जाऊँगी क्योंकि बच्चे आएंगे, और आज बस अब यही टेंशन हो रही, बच्चे आएंगे आज कैसे आएंगे। तो बस सफाई वगैरह सारी हो गई है और दिन का खाना तो बन ही गया है, आपको पता है आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं। आजकल तो वैसे मतलब सिंपल से ही बन रहे। ये मैंने पहन लिया है शर्क, और अभी वो भी पहनूंगी ग्लव्स जो हाथ के होते, नहीं तो वैसे ही मेरे हाथ काले हैं और काले हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं, आज कमर दर्द हो रहा बहुत, तो इसलिए मैंने जैकेट रख दी कि ठंड से हो रहा होगा, फिर आके नहाती हूँ तो फिर मतलब लग जाता है कि ठंडा हो रहा होगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कब आते हैं। वैसे तो टाइमिंग फिक्स है मेरी, 7:40 तक मैं आ जाती हूँ, और जैसे अभी जाऊँगी, आज मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ। अच्छा पहले दिन मैं गई थी 8:30 बजे, मतलब फर्स्ट डे का होता है ना, थोड़ा ये भी नहीं रहता कितनी देर में पहुँचेंगे। फिर मैं गई थी 9 बजे, फिर तो एक दिन देहरादून से आई थी, फिर 9 बजे गई थी, और आज 9:15 हो गए, तो अब निकलती हूँ मैं, मतलब 9:30 हो ही जाएंगे निकलते निकलते। तो चलो यही होता कि अब टाइमिंग फिक्स हो गई, अब गाड़ी का भी पता चल गया कैसे चलानी है, कहाँ पे तेज कहाँ पे स्लो, मतलब ये सब पता चल गया ना, तो आइडिया हो गया। तो चलो चलते हैं, दिन में बच्चे आएंगे उनकी टेंशन हो रही है, वैसे तो आ जाएंगे बट पर आना, तो चलो देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, बच्चों को भी एडजस्ट करने पड़ेगा। चले चलते गए, 9:30 होने वाले हैं, खाना पीना खा लिया है, और हालत देख रहे होंगे आप मेरी, एक तो ना चलो थकान तो जो हो, जो व्रत की वजह से भी थोड़ा ना मतलब हो ही जाता है, तो चलो कोई नहीं, माता रानी शक्ति देंगी, उन्हीं की शक्ति है, नहीं तो घर में रह के मेरे सर में दर्द होता था जब मैं व्रत रखती थी ना, तो मेरे रात तक ना सर में दर्द हो जाता था, भगवान की माता रानी की कृपा से सर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, जबकि इतनी गाड़ी चला के आ रही, 60 किलोमीटर आना जाना कोई कम बात नहीं, मच्छर देखो इतने मच्छर हो रहे हैं, तो लेकिन सर में दर्द नहीं हो रहा, हवा भी लग रही है, आप समझ ही सकते हो, हेलमेट इतना भारी पहना रहता है, और तो ऊपर तो ये कि भगवान की दया से कोई मतलब माता रानी की दया से कोई भी सर दर्द नहीं है, कुछ नहीं, शक्ति वही देती हैं। अगर उन्होंने व्रत, पता है मेरे ना व्रत से पहले, नवरात्रि के व्रत से पहले ये होता है कि मतलब औरतें दिखने लगती हैं, सुहागन औरतें होती हैं ना, सपने में दिखने लगती, मेरा पहले से ही है, तो माता रानी पहले ही दर्शन दे ही देती हैं, अपनी शक्ति मेरे अंदर डाल ही देती हैं कि मैं व्रत भी कर पा रही हूँ और कोचिंग भी साथ साथ और घर का काम भी। चलो घर का काम तो हो ही रहा है मैनेज, सुबह की कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, और कल बच्चों की छुट्टी ना, तो अब रिलैक्स है मुझे, आज रिलैक्स है कि कल सुबह उठ के मतलब बच्चों की हबड़ तबड़ नहीं करनी, और इनकी भी छुट्टी है, तो बस यही है। तो मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ, तो वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।